गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। तीज पर्व से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक और स्वतंत्रता दिवस के बाद से अब तक लोग शहर में लगातार जमकर पतंगबाजी कर रहे हैं। पतंगबाजी करने वाले इन लोगों का यह शौक आसमान में परवाज भरने वाले परिंदों पर भारी पड़ रहा है। तीज से लेकर अब तक सैकड़ों पक्षी अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 70 से 80 पक्षियों के पंख चाइनीज माजे से कट गए हैं। इसके बाद वे उड़ने से भी मोहताज हो गए हैं। पतंगबाजी में घायल इन सभी पक्षियों का सदर बाजार स्थित पक्षी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इन सभी का इलाज चल रहा है। शहरबाजियों का पतंगबाजी का ये शौक अब बेजुबानों की जिंदगी संकट में डाल रहा है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कुछ पक्षियों के पंख तो कुछ के पांव काटने पड़ रहे हैं। पक्षियों का इलाज कर रहे डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि पतंगबाजी के लिए प्रयोग में लाया जा रहा चाइनीज मांझा पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है। कई बार पतंग पेड़ों व बिजली के पोल में अटक जाती है, इसमें मांझे की डोर वहीं रह जाती है। इसमें उलझकर भी पक्षी घायल हो रहे हैं। अब तक गुरुग्राम के पक्षी अस्पताल में लगभग 70 घायल पक्षियों को इलाज के लिए लाया जा चुका है। वहीं सैकड़ों ऐसे बेजुबान भी हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को घायल ना करें, क्योंकि चाइनीज धागे हैं। वैसे हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि चाइनीज धागे बंद हो गए, वो हो गए, नहीं हो पाते हैं, गुपचुप तरीके से वो चलते रहते हैं। मगर एक चीज़ है, हम लोगों में अगर जागरूकता फैले तो हम इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं। पक्षियों में क्या है, पंखों, एक तो इनके हम लोग पतंग तो उड़ा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम पतंगें उड़ाते हैं। उसके बाद में जो दुष्परिणाम होते हैं पतंग उड़ाने के बाद में, पतंग कट तो जाती हैं, पेड़ों में उनके धागे उलझ जाते हैं। जब पक्षी उड़ के आता है पेड़ों पर जाता है तो उसके पंखों में उलझ जाता है, पैरों में उलझ जाता है, शरीर में उलझ जाता है। तो शरीर में उलझने से उसके पंख कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, सीने में घायल हो जाता है। इसमें क्या है कि जितने भी ज़्यादातर पक्षी हैं हमारे पास, कबूतर हैं जो घायल अवस्था में आए हुए, आगे भी हमारे पास 30 से अब तक 70-80 के लगभग आ चुके हैं बाघ, 30 से अब तक। तो 15 अगस्त भी थी, 15 अगस्त पे भी काफ़ी जो है आए हमारे पास। तो बस लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम अपने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों से दूर रहें। ये तो वो पक्षी हैं जो घायल होने के बाद आपके पास लाए गए हैं, ऐसे कई होंगे जो दम भी तोड़ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, दम तोड़ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा है ना, हर कोई बर्ड को ला नहीं पाता है हॉस्पिटल, और जंगल हैं जहाँ सोसाइटियाँ वगैरह हैं, सोसाइटियों के पीछे हैं, रोड के फंसे हुए हैं पेड़ों में, तो लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है वहाँ पर, तो वो तड़प तड़प के मर भी जाते हैं। तो आपके पास जो घायल पक्षी आए हैं, ये किस तरह से इनमें ज़्यादातर कट वगैरह दिखा मिले और किस किस तरह की इनमें दिक्कतें आ रही है? देखिए, इनकी जो है एक एल्बो कट जाती है, यहाँ से एल्बो होती है, ये एल्बो के ऊपर हड्डी नहीं कट पाती है, एल्बो के ऊपर जो इंजरी होती है ना वो कट जाती है, ये इनकी जो है इंजरी काफ़ी हो जाती है। उसमें क्या है, इनको 5-6 टांके तो आते ही आते हैं एक तरफ, तो इंजरी ज़्यादा हो जाती है। कईयों के पर भी काटने पड़े हैं। हाँ, पर भी काटने पड़े हैं। उसमें क्या है कि जैसे धागे में फंस गया, कट गया, वो थोड़ा बहुत उड़ा, वो किसी गाड़ी से लग गया, तो उनके जो है इंजर्ड हो जाता है बिल्कुल पंख, तो फिर वो काटना पड़ता है। सदर बाजार स्थित पक्षियों के इस चिकित्सालय में दिल्ली तक के पक्षी इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली के पक्षी अस्पताल अब तक नहीं खोले गए, इसी कारण दिल्ली से भी चाइनीज मांझे से घायल हुए 10 से ज्यादा पक्षियों को यहां लाया गया, जिनका अभी इलाज चल रहा है।
देखिए हमारे पास जो है हर साल ही आते हैं ये हमारा हमारा तो एक धर्म है ये। मैं तो लोगों से कहूँगा कि जो है आप एक अपने मन में ये प्रण ले लें कि हम अपने पक्षियों की सेवा और पतंगबाजी वगैरह ऐसी चीज़ें प्रदूषण वगैरह इन्हें ना करके इनकी जान बचाएं, क्योंकि इनसे ही हमारी ज़िंदगी है। अभी मैं वैसे ही पहले कमी है इसमें, हाँ देखिए पक्षियों की तो कमी है ही है, पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम इनको जो है दाना भी डालें, पानी भी रखें इनका, और इन्हें बचाव भी करें इनका। कबूतर के अलावा और कौन कौन सी प्रजातियां जो इस तरह के घायल होती हैं? देखिए कबूतर के अलावा इसमें हमारा ईगल है, कौए हैं, मौडी हैं, डब जिसको बोलते हैं, और इसमें तोते हैं, ये सब चीज़ें। देश के काफ़ी हिस्सों से चाइनीज मांझे की वजह से सामने आए हादसों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक है। बावजूद इसके शहर में खुलेआम दुकानों पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं आसमान में परवाज भरने वाले बेजुबान। ऐसे में गुरुग्राम न्यूज की तरफ से हम अपील करते हैं कि आप पतंग तो उड़ाइए, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग ना करके किसी ऐसे मांझे का उपयोग कीजिए जिससे बेजुबान खुले आसमान में बिना किसी जोखिम के उड़ान भर सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।